रीवा कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जनसंपर्क के दौरान मिल रहे भारी समर्थन से खासी उत्साहित है, जिसके चलते उन्होंने न सिर्फ रीवा बल्कि जिले की सभी सीट पर कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के अब कुछ दिन शेष बचे हैं, जिसके चलते अब प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। इसी क्रम में रीवा कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं। राजेंद्र शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, जिसके चलते न सिर्फ रीवा बल्कि प्रदेश भर में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी और एक बार फिर कमलनाथ के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाएगी। प्रियंका गांधी जब भी आती हैं मध्य प्रदेश में किसी चुनाव में तो कोई ना कोई गारंटी दे के जाती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार बनने वाली है उसमें कमलनाथ जी ने 11 वचन दिए और निश्चित ही प्रियंका जी आएंगी तो उसकी घोषणा करेंगी और हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और मध्य प्रदेश में बदलाव आएगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, हमने शुरू में कहा कि पूरे प्रदेश में आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन की हवा बह रही है उसका पूरा असर रीवा जिले में। हम 8 में 8 सीट जीत रहे हैं, हम जहां जा रहे हैं भारी जन समर्थन मिल रहा है। हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम अगर 4 बजे लगे होना होता है तो हम 6 बजे वहां पहुंचते हैं। 2 घंटे हमको हर कार्यक्रम में ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। हर कार्यक्रम जो आधा घंटे का सोचते हैं वो 1 घंटे में खत्म होता है। सरकार बनी थी, नारा कहाँ रह गया था? सरकार तो तब भी बनी थी, इस बार बहुमत के साथ सरकार बन रही है। इस बार उन्होंने जिस तरीके से हमारे विधायक खरीद के अपनी सरकार बनाई है उसका जनता उनको फल देगी। ये लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता तय करती है कि किसको सत्ता में रहना है और किसको जमीन में बैठना है। कर्नाटक की जनता ने विधायक खरीदी का फल वहां दे चुके हैं और कांग्रेस की सरकार ज्यादा बहुमत के साथ बनाई। इस बार हम फिर 160 से ऊपर सीट लेके आ सकते। देखिए, अगर मैं जीता और मेरी सरकार तो बनी रही तो हमारी कुछ प्राथमिकताएं इस सरकार में, मेरा अपना जो एजेंडा है उसमें हम रीवा में शिक्षा स्तर पे सुधार करने का मैं काम करूंगा। मैं रीवा में 1 लड़कों का उच्च स्तरीय स्कूल बनाऊंगा, शुरू कराऊंगा और 1 TRS के समकक्ष बड़ा कॉलेज बनाएंगे और 1 नया गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाएंगे जो एक्सलेंस कॉलेज होगा। ये मेरा अपना सोचना है कि मैं जरूर करूंगा अपने कार्यकाल में। इसके अलावा एक रीवा में जो हमारा युवा है वो बेरोजगारी से नशे की गिरफ्त में, मेडिकल नशे ने हमारे युवाओं को बर्बाद कर रखा है। मैं इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ूंगा। देखिए, हमने इस बार का जो हमारा चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस का संगठन लड़ रहा है। इस बार हमारी पूरी ताकत जो है हमारी एकता में है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में। आज हमारे पास 8-9 हजार कार्यकर्ता एक एक विधानसभा में। कहने को रीवा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, गुड़ से कपित ध्वज लड़ रहे हैं, कहीं बबीता साकेत लड़ रही, कहीं राम गरीब वनवासी लड़ रहे हैं, पर पूरी कांग्रेस पार्टी का एक ही प्रत्याशी है, एक ही चेहरा है कमलनाथ जी का और एक ही निशान है पंजा। देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी तो डीम्ड यूनिवर्सिटी मजबूरी में उनको बोलना पड़ गया क्योंकि उन पे आरोप लग रहे थे कि उन्होंने सारी जमीनें उसकी नष्ट कर दी, तो इन्होंने कहा नहीं, अब हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाए। जब इन्होंने उसके संसाधन ही खत्म कर दिए तो अब तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना कठिन हो गया। पर अगर हमारी सरकार बनेगी तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बेहतर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं था तो भी मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कर सकता हूँ किया। विश्वस्त रहिए कि स्टैचू लगाने से पार्क के विकास से लेकर वहाँ जो मेरे छात्रों को जरूरत पड़ती है मैं करता हूँ। जो प्रथम आते हैं उनको भी मैं पुरस्कार देता हूँ, जो द्वितीय आते हैं उनको भी हम पुरस्कार देते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम विकास पे ध्यान देते हैं और मूलभूत विकास पे काम करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।